अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। सो गाइस वेलकम बैक हो गया आप सबका एक न्यू व्लॉग के अंदर। ठीक है, सुबह सुबह उठते ही एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है कि हमारा जो सीसीटीवी कैमरा था जो भाई मेन गेट पे लगा हुआ था वो रातों रात कोई तोड़ गया है। अभी बस जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कैमरा बचा भी है या नहीं बचा। जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कि कैमरा किसने तोड़ा है तो क्या सीन हुए कैमरे के साथ। बस अब जल्दी से जाकर देखते हैं। ओए होए होए गाइस, ये चेक कर सकते हैं आप कैमरे की फुल्ली कनेक्शन वगैरह सारा कुछ ही खेड़ दिया फुल्ली। मैं कहता हूँ कैमरे की ना बैंड बजा दी जिसने भी हरकत की है ना, ये तो अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही पता लगेगा। फिल वक्त इसको रखते हैं यहाँ साइड पे। अच्छा तो भाई साहब कैमरा के सीन आपके सामने है, बस अब जल्दी से चलते हैं रिकॉर्डिंग देखते हैं। मे बी रिकॉर्ड हुआ हो कि किसने ये हरकत की है और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस आज हमने एक मीटअप पे भी जाना है, बस जल्दी से रेडी शेडी होते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और जाते हैं मीटअप। मीटअप हमारा किसके साथ है जी? एक भाई हैं, काफ़ी दिनों से उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि भाईजान मिलो मिलो मीटअप रखो मीटअप रखो, टाइम ही नहीं था निकल रहा है, मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी। फाइनली आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, बस अब जल्दी से चलते हैं मीटअप करते हैं एंड देन देखते हैं वहाँ पे जाके क्या शुगर है। उससे पहले जल्दी से रेडी शेडी हो जाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अच्छा तो गाइज अगर आप लोग भी घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो करें ना, किसने मना किया है। तो जी बस यहाँ पे रेडी शेडी हो गए हैं, अभी हम निकल रहे हैं मीटअप के लिए। तो मोइस भाई को मैंने कहा मुझे पिन लोकेशन सेंड कर दो जहाँ पे मैंने आना है, जहाँ पे मीटअप डिसाइड हुआ है हमारा। बस अब जल्दी से चलते हैं, रेडी वगैरह हो गए हैं, बाइक निकालते हैं एंड देन पहुँचते हैं लोकेशन। अच्छा जी भाई साहब सुबह सुबह उठते ही एक और दूसरी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि बाइक जो कि स्टार्ट ही नहीं हो रही है, स्टार्ट हो ही नहीं रही। पेट्रोल भी है, करंट भी आ रहा है, सब कुछ ओके है, बट पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही। दो दिन से बारिश काफ़ी तेज़ थी जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ, तो मे भी इंजन में पानी ना चला गया हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो बस अब देखते हैं कि कैसे जाते हैं, आई थिंक इन ड्राइव करवा लीजिए। चले मैं इन ड्राइव करवाता हूँ, जल्दी से पहुँचता हूँ क्योंकि मोइस वहाँ पे वेट कर रहा होगा। 2000 years later। तो गाइस मेरी बाइक हो गई थी खराब, तो मैं अभी क्लीन करवा के आया हूँ, अभी मुझे उसने यहाँ तो उतारा है। मोइस से बस कॉन्टेक्ट करता हूँ कि कितनी दूर खड़ा, लोकेशन तो वैसे यही आ रही है इसने मुझे बुलाया। तो बस अब देख लेते हैं मोइस खड़ा हुआ किधर है, सकता हूँ कॉल कर लेता हूँ। हेलो मोइस, यार जिस लोकेशन पे तूने मुझे बुलाया था मैं वहाँ पे आ गया, बिल्कुल पिन लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे। चल इधर करके खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह यार, गर्मी कितनी है यहाँ पे। असल में ना मेरी बाइक हो गई थी खराब। अच्छा। तो मैं क्रीम करवा के, उसको भी रास्ता नहीं था पता चल रहा है क्रीम वाले को। ठीक है, तो बस मैं पहुंच गया ना, बस नहीं यार। यार तूने इस लोकेशन पे लाजमी बुलाना था मोहित। तो यार मैं हर दफा इस लोकेशन पे आके वीडियो वगैरह बनाता होता ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया यार। मेरा सारा कुछ मोबाइल में था यार, उस मोबाइल में मेरे सारे अकाउंट्स वगैरह थे, व्लॉगिंग सारी। दूसरा मोबाइल भी ले गए यार मेरा। यार मेरे सारे अकाउंट ए टू जेड अकाउंट सारे उसके ऊपर है यार। नो 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 नो। यार किसी को तो बुला ले यहाँ पे, कॉल कर ले। ओ, ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे लगता है मेरा पिछला जो छोटा मोबाइल है ना पिछली पॉकेट में डाला हुआ था। बड़ा हरामी हो बेटा। यार देख यार जल्दी कॉल करके, पापा को कॉल करता हूँ, पापा को बुलाता हूँ यार। पहले 15 पे कॉल कर यार, कसम से कौन से ये लोग यार, मुझे सब्र कर यार। मैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। यार आपके साथ प्रैंक किया यार एक छोटा सा। आप इतने बेगैरत हो। यार बढ़ गया टाइम भी कसम से, मैं तो फुल मेरी हार्ट बीट चेक कर कितनी इस टाइम पे चल रही है। यार बस मैंने सोचा यार आप आपके साथ पहला मीटअप हमारा तो कुछ प्रैंक वगैरह कर लें।
पागल है यार, पागल है क्या? इतना हैवी प्रैंक करता है कि इसी पे मैंने काफी दिनों से मैं सोच रहा सेटअप किया व्लॉगिंग मेरा गई भी सारा कुछ, लेकिन यार मैं काफी ज्यादा सोच रहा हूं सारे लोग प्रैंक वगैरह करते हैं लेकिन ये प्रैंक किसी के साथ किसी ने नहीं किया, तो मैं सोचा कि आज आपके साथ ये वाला प्रैंक ये देख कैमरा लगा हुआ पीछे लड़का नहीं नजर आ रहा, वो सामने देख बैठे के पीछे वो देख यार, और कैसा लगा तुझे? बाकी जबरदस्त हो गया, मैं सोचता था कि ऐसा प्रैंक करूंगा कि यार किसी ने किया ना हो, क्या सीन है आगे के? आगे यार शूट करने चलते हैं, बंद करवा दे मेरा दिल इस टाइम फुल। चल यार हसन भाई कैसा लगा आपको? यार भाई साहब कुछ ना पूछो, मेरी तो हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी जब उसने आके मुझे यहाँ से पकड़ा है ना। अच्छा कहता दे दो भाई जो कुछ, मैंने कहा लो जी सारी जमा पूजी गई है अपनी, खत्म, गुड बाय, टाटा व्लॉगिंग खत्म। तो यार अब चले लोकेशन पे, अगली लोकेशन में जाते हैं, मेन लोकेशन जो हमने तय किया था कि शूट वगैरह करेंगे। हाँ, उस रील्स वगैरह उधर ही, उधर ही बस उधर चलते हैं, करते हैं बाकी, चलते हैं घर, मेरा तो फुल हौसला है। वैसे सिर्फ प्रैंक किया, छोटा सा प्रैंक यार, ये प्रैंक करने से पहले बता थोड़ा सा बता देता है। अच्छा ये प्रैंक हो, प्रैंक किस चीज का नाम है बताने से पहले जो होता है? बात तो सही है, तो है वैसे सही बात सही। बाकी दोस्तों अगर तो अच्छा लगा है ना, ठोक ठोक के लाइक कर दो चैनल को, गर्मी भी बहुत ज्यादा यार, लेकिन सब्सक्राइब कर दो। 20 फाइनली एक और लोकेशन पे आ चुके हैं। अच्छा तो मुझे यहाँ पे शूट करना है जो टिकटॉक की रील्स वगैरह यार, देख लो लोकेशन वैसे ठीक है। हाँ लोकेशन भी गाइस चेक कर सकते हैं, अब खाली रोड है तो बस अब इस एरिया में हम अपना करते हैं बाकी की शूटिंग वगैरह। Hours later. अच्छा तो गाइस काफी देर बाद यहाँ पे हमने वीडियो शूडियो शूट करने के बाद बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, पैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो यार अब चलते हैं जाकर कहीं बैठते हैं। चलो चलो चलो, गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा। हाँ गर्मी बहुत है, बस अब कहीं जाकर बैठते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, कोई गपशप लगाते हैं, बाकी के सीन्स देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर तो आपको व्लॉग अच्छा लगा वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। प्रैंक हो गया जी आज मेरे पे, मोहित भाई ने आज प्रैंक कर दिया अच्छे वाला करके, तो जी काम पे टांग रही है अभी तक मेरी। अगर ऐसे रियल में हुआ तो क्या करते? रियल में मैं तो समझ लो रियल वाले सीन था यार, मैं तो बिल्कुल अंदर से ना सोचा ही इसलिए था कि यार वो वाला करूंगा जो तेरे पर किसी ने किया ना होगा। आज तक नहीं किया किसी ने, नहीं मेरे पे आज तक ऐसा प्रैंक किया। फर्स्ट मीटअप पे ना प्रैंक ठोक दिया मेरे पे, ऐसा मीटअप हो ना तो देर तक। तो बाकी इंशाल्लाह इसी तरह से मजे मजे के लोग आते रहेंगे, करना क्या है चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।